अपन ही अपना काम दिखा दो बस। और हमारी मम्मी क्या कर रही है कुछ? मिर्ची का साव है, गाजर की सब्जी बना। मेरा मन कर रहा था तो अभी हमने लाइव की थी। जल्दी जल्दी झाड़ू लगा ले, आए हम देखेंगे बैठ के, तुम झाड़ू लगा लो। है चलो, हम ये बात तो सीख गए कि झाड़ू कैसे लगा तुम्हें। हाँ एलिमेंट लगाए के दोस्तों, जो बीच में लगातार बारिश हुई थी ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ, पूरी छत गीली हो गई थी, तो उस पर पपड़ी सी जम गई, तो ये झरता रहता है नीचे। कभी बैठे हैं खाना खा रहे हैं तो अचानक से झरने लगता है धीरे धीरे से, तो उसको पूरे को हम एक साथ झरा रहे हैं अभी। और ये हेलमेट वाली जुगाड़ कैसी लगी बताना कमेंट में दोस्तों, इससे आँख में रेत बालू नहीं चढ़ेगा। हेलो, राम राम जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, और सब कैसे हो जी? ऐसा करते सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। स्वागत है आपका सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज है 6 अक्टूबर, सुबह के बज रहे हैं इस समय 7। सोनी सुबह सुबह से ही काम में आज लग चुकी है और मेरे को भी लगा रखा है। आज पूरा साफ सफाई कर रहे हैं अच्छे से। कितना टाइम लगेगा? तो राम राम जी सभी को। कहो बड़ाई मत करती हो, बगरा का डाता हो, सफाई करी तो बाकी जो नहीं गई काम करवाए हुए। अपन ही अपना काम दिखे दो बस। मैंने तो करना था, मैं दिखे तो फिर तक कही दो बगरा का डाता हुआ है। और जाते कहा है काम की जो तो नहीं गई काम करवाए हुए, बगरा का डाता हुआ यानी काम फैला के डाता हुआ, मैंने डाता हुआ। और हमारी मम्मी क्या कर रही है किचन में? अभी दूध गर्म हो रहा है, सुबह की नाश्ता की तैयारी करते हैं कुछ, और इधर आलू भी उबाल के रख दिए, तो सारी सब्जी वगैरह के लिए है अभी। तो अभी जब तक अंजू क्या है कि आलुओं को छील लेगी, सोनी साफ सफाई में लगी हुई है, जो सब्जी है वो भी बन जाएगी फिर जल्दी। आज आलू वाले हैं, मतलब कुछ आज आलू वाले हैं, तो आज बनेगा रसा। रसा जो है सबका फेवरेट है, सबसे ज़्यादा बच्चों का फेवरेट है। जब ही तो योगेश अपने दोस्त के यहाँ से जो मठा लेकर आया था जिसमें ये सब्जी बनेगी। अभी पानी तो रोज खींच रहे, कल बारिश फिर से हो गई तो फिर से पानी भर गया। वैसे तो खींच रहे हैं इसमें से पानी को, काफ़ी निकल गया देखो, अब सूखा सूखा सा हो गया इधर से भी इधर से भी। चलिए अभी अम्मा अम्मा से आशीर्वाद दिलवाते हैं। राम राम मन को तुमने सिगान को राम राम खुशी बनी रहो, भैया खूब चल भरो दीदन नाल और बड़ा देवी गंगा में जय भैया जनवरी। चलो भाई नाश्ता वगैरह ले, फिर आए कुर्सी पे डर मानव। मम्मी बना रही है नाश्ता। अभी इस त्रिपाल को भी हम रख देते हैं, दो दिन से इसी पे हमने गेहूं सुखाए थे अपने पीसने करने के लिए, तो अभी इसकी पूरी गरी करके अच्छे से संभाल के रख देंगे, जिससे कि ये हमको दोबारा से काम में आ जाए। ये वही त्रिपाल है दोस्तों जो कि जब हमने घर बनवाया था तो झोपड़ी बनाई थी ना, यही वाली त्रिपाल डाली थी, तो काफ़ी अच्छी चल रही है। अभी इसकी हमने गरी कर दी। और ये गेहूँ है जिनको हम 2-3 दिन से लगातार सुखा रहे हैं, और एकदम अच्छे से सूख जाते हैं, तो जो आटा पिसवाने के लिए चक्की पर जाते हैं तो एकदम बढ़िया आटा पिसता है, मस्त एकदम बारीक, और रोटी भी उसकी एकदम ऐसी आती है फूली फूली, तो इसीलिए और मेहनत कर रहे हैं सुखाने में। रसा बना है आज मठा आलू की सब्जी, तो आज बच्चों को जल्दी भी भूख लग गई और दिन में कई बार भूख लगेगी, इतना पसंद है। बस अब खाना खा रहे हैं, देखो
खाने के चक्कर में संजू रोजाना नहा लेती थी, आज तो नहा ही नहीं, ऐसे ही लग गई मुंह धो के बस। विवेक तो स्नान कर लिया। और विवेक कैसी लग रही है तो सब्जी? बढ़िया। आज नाश्ता नहीं बना है, डायरेक्ट खाना है इसीलिए। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों बस अब पूजा पाठ हो गया और खाना पीना खाते हैं। आज के खाने में तो आनंद आएगा, ये देखो आनंद तो वैसे रोजाना आता है भगवान की कृपा से। और आज मठा आलू की सब्जी बनी है, बहुत ही बढ़िया, ये देखिए। बस खाना खा लीजिए। अभी वीडियो में एडिट कर रहा हूँ, दूसरी बात मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है आज, साहब भी तो मेरे बांध रही एकदम खस के, इससे थोड़ा आराम मिल जाए। देखता हूँ वीडियो टाइम से आ जाए, नहीं तो मेरे को लग रहा है कि ब्लॉग लेट ना हो जाए आज का। अभी बच्चे खाना पीना खा पी के बस अब स्कूल का काम कर रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं। विवेक बैठ के पढ़ लो बेटा, जैसे अंजू पढ़ रही है जैसे बैठ के पढ़ो। अभी इस समय करीब 3:30 बज गए और अभी थोड़ा सर हल्का सा लग रहा है, लेकिन दर्द नहीं गया है, अभी हल्का सा तो है। शायद लग रहा है कल पार्वती नदी में ज़्यादा स्नान कर लिया तो ठंडी बैठ गई, ऐसा लग रहा है। अभी चलते थोड़ा मार्केट। अब दर्द हो कि नहीं है, लेकिन आज क्या है ना, राशन मिल रहा है, गेहूँ जो बटते हैं कंट्रोल पे वो मिल रहे हैं, तो उनको लेने के लिए चलते हैं। अगर वो ख़त्म हो गए तो फिर अगले महीने जाके मिलेंगे, तो दर्द को तो बाद में देखते हैं। गेहूँ लेके आते हैं, कुछ जा ही रहे हैं तो फिर साग सब्जी भी लेके आएंगे। और आज हमारी बाइक निकलेगी इतने दिनों बाद, पानी कम भी हो गया है। ला तो एक थैला दे दे, कुछ राशन ले आवे साग सब्जी। और मांग पट्टे कौन पकड़वा रहे तो आज टेढ़े मेढ़े से? अंजू पल्लवी लाली को देखो, हेलो हेलो, दिख गए दिख गए दिख गए, कहा रहो है? हैं अभी सोए के जगह है, सोए के जगह है भाई, अभी वो सुना आयो ना नहीं आयो तो नहीं कर रही है। कहा है? रास्ता में से हमने समर सेवल लगा के पानी तो पूरा निकाल दिया, थोड़ा बहुत पानी अभी रह गया है, लेकिन बाइक को निकाल के देखते हैं कितना दिक्कत होता है। वैसे अभी बाइक फंस रही है क्योंकि अभी दलदल तो है ही इसके अंदर। विवेक चल रहा है साथ में, बैठ विवेक। आज विवेक घूम के आएगा बाजार, बोल रहा है पापा बहुत दिन हो गए बाजार नहीं गए, मैं चलो तो आज घुमा के लाते हैं। अभी आ गए हम राशन की दुकान पे, बस अब राशन ले लेते हैं। अभी हमारा विवेक लेने आया गेहूँ, गेहूँ ले भी आए गए, बांध भी कहूँ लेके नहीं आए हैं क्या बाबू जी? देखो पापा इसने अभी 20 किलो वजन। अभी चलेंगे सब्जी लेने के लिए, नहीं अभी आ गए हम धौलपुर सब्जी मंडी, तो आलू वगैरह और कुछ साग सब्जियां लेके चलते हैं। 40 के ही होंगे, अभी महंगे हैं, अभी 60-70-80। अब मिर्ची का हिसाब है? 30 रुपये की आधी लो 50। आज गाजर लेते हैं छोटू से, 50 रुपये की 1 किलो। लली में दिवाली आ गई, पटाखे फोड़ रहे हैं संग में, हैं? अभी हमने साग सब्जी ले ली, अभी चलते हैं। कर और कभी मंगाती मम्मी ने, और कभी ना मंगाया हो, और देखते हैं फोन लगा के तुझे। अभी हम घर पे आ गए, और मतलब बाइक तो उधर नहीं जाएगी, बाइक तो अकेले ही निकाल के लाऊंगा उधर से, बाकी का जो सामान है इसको उतार के वहाँ पे पहुँचा। देखो विवेक कट्टा को उठा के ले गया, 20 किलो गेहूँ मैंने मना किया फिर भी ले गया, बोल रहा कि देखो तो सही गिरेगा नहीं मेरे से, अब लेके गया। मैं आ रहा हूँ रुक जा। ये राशन पानी वो रोटी बन गई जल्दी चुटकी चुटकी दूध पी रही है पीसने को कट्टा कहाँ है लगभग उड़ा रहे हैं फिर। पता मत आए तुमको नमकीन दारी है।
हम ना खा रहे नमक ही ना, हम रोटी खाएंगे डायरेक्ट हमारे। ओह मोर पंख लगा लिए मुझे। तुम्हारे से काका लगा देंगे मुझे पता हूँ ना, लगा देंगे पन्नी को फूल लगा के ना यार लगा रहा हम दो तीन दिन तक करेंगे ना, फिर मुझे मजे का आ रहा है देखो तो फूल लग रहा, अब वो पैपा तो ना मोर का पंख लगाएगा। और अभी चलते हैं इसको चक्की पे लेके पिसाने के लिए, वहाँ से यहाँ तक लाने में परेशान हो जाते हैं, अब क्या करें, रास्ता जब तक सूख नहीं रहा है जब तक थोड़ी परेशानी वो इतनी बढ़ेगी। और अभी आ गए हम चक्की पे, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जो गेहूं को पीसने का जो चार्ज है वो 5 किलो गेहूं पीसने का 8 रुपया ले रहे हैं, आपके यहाँ पे कितना ले रहे हैं कमेंट में हमको ज़रूर बताना, और जगह का नाम ज़रूर लिखना जिससे हमको पता चलेगा कि कौन से ज़िला कौन से राज्य में क्या रेट चल रहा है इस समय गेहूं पिसाने का चक्की पे। हमारे यहाँ तो 8 रुपये लेते हैं 5 किलो पीसने का। तो अभी हमने तुलवा दिया, 2 कट्टे में लेकर आए थे आधा आधा गेहूं करके। गाजर आज देख ले, गाजर लेकर आए हम, गाजर का हाल है जब जो गाजर 50 रुपया किलो आई है तो कचू जो गाड़ी तू नई सब्जी और का नई सब्जी लेके जी ऐसे पीरी गाजर में बहुत बेकार लगा खाई है कब खाते तो उड़ीसा में तो खाई खाई बूढ़ी की गाजर है। हरी मिर्च गाजर हरी मिर्च महंगी आ गई है 40 की आई है आधी किलो आज तो ऐसी मिले पूरी मंडी में जो करे जो बारिश की वजह से वैसी दाम से लगते हैं ऐसी ना कह रही मतलब जो 30 रुपये आधी किलो देंगे। टमाटर 80 रुपया किलो आधी किलो टमाटर टमाटर ने वीडियो बनाए डे रहे देख रहा महंगे आ रहे हैं जाकर ना कच्चे मत खा करो टमाटर ने गाजर की सब्जी बना देंगे आलू गाजर की और का रुपये पैसा माई देखे गई है पल्ला भी खाते ना ने वैसे ही आया था आपको पानी को लगा मेरा करे एक पल्ला के मांगे तावे निरे है जान जो 10 धनिया वो दही दे अम्मा ने नहीं ये कहते मैंने कहीं मैं धनिया दे तो मतलब जो 10 रुपये धनिया ना तो भैया वहां तो लौट आई दे हम फिर भी ऐसे मेरे पैसे बढ़िया है ये लेकर आया मैं मैंने कहीं कचू रेसिपी बन जाएगी मेरा मन कर रहा था पनीर चिल्ली खाने का तो पनीर चिल्ली बना ये मूरा 60 रुपया किलो है जी मूरा ले एक आ जाएंगे स्पेशल आ जाएंगे और आलू लेकर आए अद्वानी हम आलू आए आज 160 रुपये के 5 किलो पल्लवी मिर्च मोटी है मैं कम चुरुपुरी तक लगेंगे बना तो जाल ओके तो बजाएगी नहीं तभी तक यही एक जगह खेलते रहेगी पहले गिर गिर जाओ छज्जे पे थे तो आराम से खेलते रहेगी एक जगह उड़ेगी नहीं उड़े परी उड़ेगी नहीं पापा की परी वही तो करते जाना ए विवेक ये वैसे काय देव तो सल्ले हां आलू निकल लिया भाई डर गंदा आलू ले गए मारा के चाट की से तो ए चाट गई सोनी की देसी दवा है ये देखो शहद के साथ अभी बोल रहे थे ना कि सोनी थकती जा रही है इसका थोड़ा पेट गड़बड़ हो गया था वो मतलब ऐसे ही तबीयत डाउन थी तो अभी देसी दवा चल रही है और रोज़ाना शहद चाट लेती है ऐसे ही शहद में अभी सही हो जाएगी आप सब दुआ करना कि जल्दी सही हो जाए। दोस्तों शाम का खाना लग गया अम्मा के लिए भेज दिया कि नहीं भेजा अभी हैं अंजू तो अम्मा के लिए भी खाना पहुंच गया और हम सब भी खाते हैं अभी और ये बनाई थी सोनी ने अभी पोहे की नमकीन ये देखो जो कुछ पोहे पड़े थे थोड़े से तो बच्चे बोले चटपटा कुछ बना दो तो बस ये बनाई थी मुझे देखिए हमारी आज अंजू ने रोटी बनाई थी बोल रही थी मौसी मैं रोटी बनाया करूँगी मैं सीखूँगी मेरे से रोज बनवाया करूँ मैंने देखी भी तू स्कूल का बना के लाया कर तू स्कूल में नहीं स्कूल में तो सब लोग देखेंगे सही है। और अभी दोस्तों आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी क्योंकि शोर शराबा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है अभी नवरात्रि चल रही है तो चारों तरफ डीजे बज रहे हैं इसी वजह से तो
तो थोड़ा दो चार दिन ऐसे ही आएगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिए। दोस्तों अभी हमने लाइव की थी और बहुत आनंद आया आप सभी से लाइव में बात करके, और आप सब बताना आप सभी को आज की लाइव कैसी लगी संडे की ये वाली। और फिलहाल अभी अंजू को लग गई भूख, तो उसके लिए अभी सोनी बना रही है खाना। खाना खा पी के फिर अंजू बनाई है खाना, अभी दूध पी रही है, थोड़ा हुआ दूध से भूख डट जाएगी, फिर इसको रोटी खिलाएंगे। अभी इसके अंदर नौ माता आ गई हैं, तो अब भूख ज़्यादा लगेगी इसको, है नौ दुर्गे चल रहे हैं नी, माताओं का वास है, सब्जी है। उसको भी भूख लग गई, तो और खिलाओ जल्दी जल्दी खिलाएंगे तो ऐसे ही भूख लगेगी बार बार, रोजाना के टाइम पे खाते तो सही रहता है। जल्दी रोटी बना दे। अभी देखो विवेक नींद में क्या बोलता है। कौन ऐसा सोई रहा विवेक, कौन ऐसा सोई रहा है कर गरम मम्मी के साथ सोई रहा हूँ। दोस्तों बच्चों ने रोटी तो फिर नहीं बनवाई, दूध पीने के बाद में बोले कि अब कुछ खाने की इच्छा नहीं कर रही है, दूध से ही पेट भर गया, तो उसके बाद में अभी सोने के लिए चले गए। और आप सब बताना कि आप सभी को आज का हमारा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।